एवरीबॉडी, दिस इज टैरो जीनी। वेलकम टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा ही मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं फामान और सुम्बुल की रीडिंग करूं, स्पेशली आफ्टर राघव एंड शक्तिज रीडिंग, तो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गिव यू कपल ऑफ इनसाइट, कपल ऑफ वीडियोज ऑन सुम्बुल एंड फामान, जस्ट बिकॉज यू हैव रिक्वेस्टेड मी। और वट आई हैव थॉट इज दैट I can do four videos on Suma, this couple. दो वीडियो जो होगा इनकी पर्सनैलिटी का वीडियो होगा, ओके? सो द डिवाइन गाइडेंस कमिंग ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ दीज टू पीपल। डिवाइन उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें क्या बताते हैं? मुझे लगता है कि जब हम पर्सनैलिटी किसी की जान जाते हैं, उसके स्ट्रेंथ को जानते हैं, उसके वीकनेसेस को जानते हैं, जो कि सब लोगों में होता है, we can understand the person better, we can have a regard for their weakness, we can have a respect for their strength, and we can have a and we can accept them for their life experiences is what I think. Or we can also get to know a different aspect of them. क्योंकि हम तो उनको 3D से जानते हैं, 3D में जो हमें दिखता है वो हमको पता चलता है, बट देर आर सो मेनी थिंग्स हिडन इन वंस पर्सनैलिटी। क्या आपको हर चीज पता है उसके बारे में? तो डिवाइन पर्सपेक्टिव से हमें पता चल सकता है, इफ डिवाइन ऑफकोर्स चूजेस टू लेट अस नो दैट। एंड तो ये दो पर्सनैलिटी रीडिंग मैं आपको दूंगी। दूसरा दो रीडिंग आएगा वो है, एक तो इनकी फीलिंग्स क्या है अभी इनके एक दूसरे के प्रति, वॉट आर देयर थॉट्स, वॉट आर देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर। हम और ये फीलिंग्स एंड थॉट्स कंबाइंड विद देयर पर्सनैलिटी हमें काफी कुछ बहुत ही डीपर इंसाइट्स दे सकती हैं, इफ यू जस्ट कंबाइन दीज टू रीडिंग्स इटसेल्फ। एंड द थर्ड फोर्थ रीडिंग दैट आई कैन गिव यू इज अभी इनके लाइफ में क्या हो रहा है, और बेस्ड ऑन दिस प्रेजेंट एनर्जी आगे क्या होगा और लेट फ्यूचर में क्या होगा, ओके? और ये बाकी सारी रीडिंग्स जो हम करेंगे उसके इनसाइट के साथ, इस रीडिंग की इनसाइट विल लीड टू अ लॉट, कैन एक्चुअली बी अ लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, विच वी विल सी हाउ इट ऑल गोज अबाउट। एंड एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स, जैसे कि आप लोग हो ना, यू काइंड ऑफ आस्क मी कि शादी होगी कि नहीं होगी, ये बता आपको जानना रहता है, या फिर यू नो द अदर क्वेश्चंस है। तो टैरो चूजेस टू टेल थिंग्स टू अस, टैरो डजंट रियली टेल्स अस व्हाट वी वांट टू नो, टैरो टेल्स अस व्हाट वी नीड टू नो। डिवाइन गाइडेंस है ना, डिवाइन विल टेल यू कि आपके लिए अभी क्या जरूरी है जानना, आप वो जानिए। जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है जानना, या फिर आपको अभी नहीं जानना है, वो मैं कितना भी पूछ लूं, कोई भी कितना पूछ ले, वो हमें नहीं पता चलेगा, ओके? And that is where the whole idea of creating your future, creating your destiny comes from. Tarot is not written in stone. Tarot tells you the present energy. ये present energy है, ये उसके, इस present energy के कारण ये आपका future देख रहा है। अगर future पसंद है, continue with this energy. अगर future पसंद नहीं है, change your energy now. Change your behavior, change your thought patterns. And that is how you create the future that you want. राइट मान लीजिए कि आपको ये फ्यूचर नहीं पसंद है, टैरो रीडर ने कुछ बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट एनर्जी दे गिव यू अ प्रेडिक्शन कि अगर इस तरह से करते रहोगे तो ये होने वाला है फ्यूचर में, ये हो सकता है फ्यूचर में, एंड यू आर लाइक कि यस आई वांट दिस। आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने जॉब पे एंड यू आर गेटिंग लॉट ऑफ सक्सेस, तो व्हाट विल द टैरो रीडर टेल? वेरी गुड, कंटिन्यू टू डू व्हाट यू आर डूइंग, प्लस आप ये दो चीजें भी कर सकते हो टू एनहांस द रिजल्ट। मान लीजिए जो चीजें आपके प्रेजेंट एनर्जी पे बेस्ड हैं, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है और बेस्ड ऑन दैट आपके आगे में आ रहा है कि काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो टैरो रीडर आपको क्या बोलेगा कि थॉट अपने दिमाग से बाहर निकलो, नेचर में ग्राउंड करो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, या फिर जो भी उसका उसके एडवाइस होंगे वो आपको देगा। तो आप जब ये एनर्जी चेंज करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी जो स्टक एनर्जी फ्यूचर में दिखा रही थी ना, वो भी चेंज हो गई है। सो दिस इज हाउ इट इज। सो हाउ कैन आई पॉसिबली टेल यू कि फ्यूचर में उसके क्या होगा? आई कैन ओनली टेल यू कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज एंड बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एनर्जीज, एंड इफ दे डोंट लाइक व्हाट इज हैपनिंग दे बेटर चेंज द थिंग्स नाउ, एंड इफ यू डोंट चेंज देन यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन। सो डू यू अंडरस्टैंड? जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इनसाइट टू यू एज अ 3D पीपल, वी वॉन्ट
इन्फॉर्मेशन, वी वॉन्ट द आंसर्स राइट नाउ. बोलते हैं ना जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है कि वी वॉन्ट टू हैव अ कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. हमको अभी जानना है तो अभी जानना है, नहीं तो वॉट हैपन्स, वी बिकम वेरी रेस्टलेस, हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमको बताया भी गया है कि लाइफ पे कंट्रोल होना चाहिए. बट मोर देन कंट्रोल यू शुड फ्लो विथ लाइफ, डूइंग योर बेस्ट, नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल द फ्यूचर. क्योंकि आप रेत को कितनी भी पकड़ने की कोशिश करोगे ना, वो आपके हाथ से फिसल जाएगा. और आप जितना ज्यादा एनर्जी डालेंगे किसी चीज में, किसी चीज को रोकने के लिए, उतना ज्यादा वो चीज रुक सी जाती है. हैव यू एवर ट्राइड बोटिंग, वेन यू पुट लॉट ऑफ पैडलिंग 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 पैडलिंग, बोट वहीं पर रुक जाता है, वो बोट आगे नहीं बढ़ता है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी पुट इन देयर इन अ स्मॉल स्पेस. सो यू हैव टू row it smoothly, effortlessly, and the boat moves smoothly. तो ये चीजें होती हैं. So with all this spirituality and all these things, let's tap into our spirit guides present here. Let's ask them what we need to know about the personalities of these two people. Let's start with Fahman in the